हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियस एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर, जहां पर मैं हूं अंकित। मैं आपके लिए एक और पार्ट लेकर के आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का, और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए आइए देखते हैं एनसीईआरटी के, जहां तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, अब उसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। ये गिवन है हमें फिगर, और इसमें हमें निकालना है 10p माइनस क्वार्टर, है ना। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप देखिए। यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। देखिए, पी क्यू गिवन है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, पी आर गिवन है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है 10p माइनस क्वार्टर। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले ये ट्राइंगल की सभी साइड्स हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, फाइंड आउट करना पड़ेगी। और ट्राइंगल की सभी साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लगानी होगी पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको किसी भी तरह के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारा क्या है यहाँ पे, जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होती है वो होता है एच। तो एच क्या है यहाँ पे, पी आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, क्यू आर स्क्वायर। ओके, पी क्यू क्या गिवन है हमें, 12। क्यू आर क्या गिवन है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। और पी आर क्या गिवन है हमें, 13 स्क्वायर। स्क्वायर अगर किसी को भी निकालना नहीं आता हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, 13 को 2 टाइम्स हम क्या कर देंगे, इंटू। तो चलिए हम इंटू कर देते हैं। तो हम इंटू करने से हमारा कितना आ जाएगा, 169। यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। प्लस ए पाकिस्तान की बॉर्डर पे उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस। तो इक्वल के इस साइड ले जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो गया आपका माइनस, और यहाँ बच गया आपका क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 क्यू आर स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ चुका है, 25। एंड स्क्वायर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या लग जाएगा आपका, अंडर रूट। एंड 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, 10p माइनस क्वार्टर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10p माइनस क्वार्टर हमें फाइंड करना है, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं 10p। 10p सबसे पहली बात करते हैं, 10 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पापा बेटा, मींस दोनों कंबाइन होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम बात कर रहे हैं एंगल पी के बारे में, एंगल पी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके सामने क्या हो जाएगा उसका, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना क्या होगा इसका, क्यू आर। और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा, बेस। ये तो हाइपोटेनियस हो गया, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्यू आर कितना आ गया, 5, और पी क्यू कितना है हमारा, 12। इसी तरह से हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर की बात करते हैं, कॉट 10 का क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर ये पी अपॉन बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं एंगल आर के लिए। देखिए एंगल आर की बात करेंगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है आपका, क्या है, पी क्यू, सॉरी परपेंडिकुलर है ना पी क्यू, तो हमारा, तो पी क्यू हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और फिर बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा, बेस। तो क्यू आर कितना आ गया आपका, 5। देन अगेन ये कितना हो जाएगा, 12। ओके, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है 10p माइनस क्वार्टर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 10p माइनस क्वार्टर फाइंड आउट कर लेंगे।
ओके चलिए, 10p की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/12 माइनस क्वार्टर की वैल्यू भी 5/12, ये प्लस की और ये माइनस की दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो गई, ये आपका आ गया आंसर 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक्सरसाइज 8.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, जहाँ हमें गिवन है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए जो भी आपके पास इफ में लिखा रहता है उसको हम हमेशा किस में लिखते हैं, गिवन में। तो हमने गिवन में लिख लिया कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, है ना। अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करना होगा। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ट्राइंगल फॉर्म करना होगा। तो हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एंगल क्या दिया हुआ है, ए, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ में जो भी चीज लिखी रहेगी वो क्या है, हमारा एंगल। तो एंगल क्या दिया हमें, ए, मतलब ये हमारा ए नाम का क्या दिया है, एंगल। और ये एंगल हम जब भी लेंगे ना तो एक्यूट एंगल ही लेंगे, और इसको हम यही लेंगे। तो ये ए हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। अब इसने बी और सी के बारे में तो हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो हम मानते हैं कि बी यहाँ लिख लेते हैं और सी यहाँ लिख लेते हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं है। चलिए अब साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अच्छा बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है रियल में, पी अपॉन एच, है ना। इसका मीनिंग अगर देखें तो P मीन्स क्या है हमारे पास, P की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है यहाँ से, और H की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है ना। तो ठीक है हम लिख देते हैं P, एंगल A के लिए बात कर रहे हैं ना, एंगल A के लिए P कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, लिख लेते हैं हम। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 लिख लेते हैं। अब बचा क्या है हमारे पास, बेस, वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए फिर से क्या लगाएंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है बेटा यहाँ पे, 4, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 3, तो 3 का स्क्वायर, देन बेस हमको फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, एंड देन प्लस की वैल्यू 9 है, इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का, और 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 7। और आपने जैसे ही यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि बेस की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 7। तो हमें पता चल गया कि जो बेस होगा हमारा वो कितना आएगा, अंडर रूट 7। अब हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, कॉस एंड टेन। तो अगर हम देखें कॉस ए कितना हो जाएगा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा है बी अपॉन एच, बी कितना आ रहा है हमारा, अंडर रूट 7, और एच कितना आ जाएगा आपका 4। फिर हम बात करते हैं टेन की, तो टेन ए कितना हो जाएगा, ये पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, अपॉन में बेस कितना है, अंडर रूट 7। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया सॉल्व। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, है ना। तो देखिए हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और हमें क्या गिवन है यहाँ पर, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारा तो फॉर्मूला होता है कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अबे परपेंडिकुलर तो यहाँ गायब है, लेकिन हमें ये दिखा, बोले 15 यहाँ आ गया है, इसका मीनिंग ये कहाँ पे जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा आपका, डिवाइड में। तो हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर डिवाइड में लिख लिया, है ना। अब देखिए पर ये डिवाइड में आ गया है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लिख लिया यहां से। अब हमें फिर से क्या है, यहां से पता चल गया कि जो बेस आएगा हमारा वो कितना आएगा आपका 8, और परपेंडिकुलर हमारा कितना आ जाएगा यहां से 15। और अब हमने क्या करा है, ट्रायंगल को फॉर्म कर लिया।
चलिए अब देखिए यहाँ पे एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम एंगल ए बना लेते हैं, और बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हमने एंगल बी और सी कहीं भी बना लिए। और ट्राइंगल आप हमेशा कौन सा फॉर्म करेंगे, राइट ट्राइंगल ही बनाएंगे। अब देखिए बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो हम लिख देते हैं बेस कितना आ गया हमारा 8, परपेंडिकुलर हमारा आ गया 15, और हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस। तो हम क्या लगाएंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है पता नहीं, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। पी कितना है 15 का स्क्वायर, देन बी कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 225, 8 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा आपका 64, और जैसे हम इनको प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 289 एच स्क्वायर। स्क्वायर आप अगर शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, वो अंडर रूट में चेंज आएगा। अच्छा अंडर रूट 289 आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक प्राइम नंबर का होता है अंडर रूट, तो इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा कि अंडर रूट 289 जो होता है वो किसका अंडर रूट होता है, वो अंडर रूट होता है 17 का। ओके तो हमारा यहां से हाइपोटेनियस कितना आ चुका है 17। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगेन साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेनियस इज 17, एंड नेक्स्ट इज सेक ए। सो सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन बी। चलिए एच एच कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा 17 अपॉन बी कितना है हमारा 8। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है हमें, कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वही इसको भी सॉल्व करने का तरीका होगा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, और सेक का रियल में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस का होता है बी अपॉन एच, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट एच अपॉन बी। तो यहाँ से हमारे पास बहुत ही अच्छे से हमें पता चल गया है कि एच कितना आ गया हमारा 13 आ चुका है, और बेस कितना आ गया है हमारा यहाँ पर 12 आ गया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर, तो हम क्या लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप चाहें तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, तो चलिए मैं ट्राइंगल एक फॉर्म कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पर हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया ए बी सी। अब आप बोलेंगे कि सर ये एंगल जो है यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो जब भी एंगल दिया हुआ हो वो आप यहाँ पे बना दो कि ये मेरा एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। बस अब मैं वैल्यूज रख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है वो तो हमें पता नहीं है, बेस कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर लिख देंगे, हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, परपेंडिकुलर आप पी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144, प्लस का 144 जब आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा माइनस का 144, 169 में से 144 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 25, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25, स्क्वायर जब आप शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट की वैल्यू है तो कितना आ जाएगा ये 5। ओके तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो चलिए ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन, और इनके बच्चे जैसे साइन का हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया सेक, और टेन का हो गया कॉट। चलिए है ना, और सब में क्या लगेगा थीटा, क्योंकि हमारे पास कुछ एंगल उसने बताया ही नहीं है कौन सा एंगल लेना है, तो हमने सभी में एंगल क्या ले लिया थीटा। चलिए सेक थीटा तो हमें गिवन है, कितना है सेक थीटा 13 अपॉन 12, तो कॉस थीटा तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये उसको अपोजिट कर दो 12 अपॉन 13। अब देखते हैं साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच,
परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 और एज कितना आ गया 13। फिर हम देखते हैं कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है 13/5। फिर हम चलते हैं टेन, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 और बेस कितना है हमारे पास 12। बस अब टेन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉट। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आज का जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं अगर आपको ये समझ में आए हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए ताकि वो इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।